What happens inside your penis in erectile dysfunction? इसके पहले हमको जानना पड़ेगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इट्स ए नो ब्रेनर दैट के लिए आपको को हार्ड होना इज मैंडेटरी। सो इनेबिलिटी टू अचीव दैट हार्डनेस और इनेबिलिटी टू मेंटेन दैट हार्डनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल हैविंग इज अ डिस्फंक्शन इन इरेक्शन। सो दिस इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। व्हाइल हैविंग आपका हार्मोन्स एंड आपका बॉडी ब्रेन को एक मैसेज भेजेगा, एक इम्पल्स भेजेगा कि ब्रेन भाई अब तू कुछ हेल्प कर। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को एक इम्पल्स भेजेगा, नर्वस इम्पल्स भेजेगा, सिग्नल भेजेगा बाय एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन से आएगा सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो नर्व रूट निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से, जो नर्व रूट तक इम्पल्स लेके आता है उस नर्व के थ्रू वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो नर्वस सिग्नल भेजेगा। तो समझ गए ना, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व रूट के थ्रू ब्रेन को क्या इम्पल्स भेज रहा है, ब्रेन को इम्पल्स भेज के बोल रहा है कि तेरे अंदर जो जो छोटा छोटा आर्टरियोल्स है, आर्टरीज है, वो रिलैक्स करेगा और वो डायलेट करेगा। छोटा अगर था ना वो चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। के अंदर दो आर्टरीज है, राइट साइड में एक है, लेफ्ट साइड में एक है, कैवर्नोसल आर्टरी, राइट कैवर्नोसल आर्टरी एंड लेफ्ट कैवर्नोसल आर्टरी, दोनों आर्टरीज में ज़्यादा खून आएगा और इसके बाद छोटा छोटा जो आर्टरियोल्स है उसमें भी खून बढ़ेगा और फाइनली क्या होगा, पेनिस के अंदर जो मसल्स है, कॉर्पोरा कैवर्नोसस एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसस, इन मसल्स में भी ब्लड बढ़ेगा। जब के मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मसल के अंदर जो साइनसॉइड्स है उसका साइज धीरे 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 बढ़ेगा। क्या होगा उसके लिए, उसके लिए जो वेन्स है, वेन्स लोग कंप्रेस्ड हो जाएगा। वेन्स क्या करता है, पेनिस से ब्लड लेके हार्ट तक जाता है, तो कंप्रेस हो जाएगा, तो वेन्स से ब्लड बाहर नहीं जाएगा। एक तरफ से आर्टरी से ब्लड बहुत आ रहा है लेकिन वेन्स कंप्रेस हो गया तो ब्लड नहीं जा पा रहा है टू द हार्ट। सो द रिजल्ट इज मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनसाइड योर पेनिस एंड दिस विल कॉज फर्म एंड हार्ड इरेक्शन, रिजिड इरेक्शन क्रिएट करेगा। उसके वजह से क्या होगा, पेनिस का लेंथ बढ़ेगा, उसका गिर्थ बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा एंड पेनिस विल बी हार्ड। जो सिस्टम्स मैंने बताया, नर्वस सिस्टम, उसके बाद आर्टरीज, वेन्स और साइनसॉइड्स, किसी भी एक में अगर कोई डिफेक्ट होगा दैट विल कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आपका ब्रेन में कुछ डैमेज हो सकता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डैमेज हो सकता है, आपका नर्व में कुछ डैमेज हो सकता है जो नर्व पेनिस तक इम्पल्स लेके आता है, या पेनिस के अंदर जो आर्टरीज है उस आर्टरी में क्लॉगिंग हो गया, खून नहीं आ पा रहा है टू पेनिस, और एनी डिफेक्ट इन वेन्स और साइनसॉइड, दिस विल कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। थ्री ब्रॉड कैटेगरी है कॉजेज ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। वन इज ऑर्गेनिक कॉजेज। ऑर्गेनिक कॉजेज मतलब आपके शरीर के अंदर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, आर्टरीज का प्रॉब्लम, वेन्स का प्रॉब्लम, हार्मोनल कुछ डिसबैलेंसेस, या कुछ दबाव लेते हो, ड्रग्स लेते हो, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन लेते हो, जिस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो एक्चुअली देर आर सम प्रॉब्लम्स, that is why you are suffering from erectile dysfunction. This is organic. Number two is psychogenic ED, psychogenic erectile dysfunction. It means that कोई कॉज नहीं है आपके अंदर, किसी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका दिमाग में। सो नो कॉज, जस्ट द प्रॉब्लम इज इन साइड योर हेड, दैट इज साइकोलॉजिक और साइकोजेनिक ईडी। साइकोलॉजिक ईडी में क्या होता है, पास्ट में वेल हैविंग आपका उतना फार्म नहीं हुआ, हार्ड नहीं हुआ, इरेक्शन नहीं हुआ, या आपका परफॉर्मेंसेस वेल हैविंग उतना अच्छा नहीं हुआ, एंड फॉर दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हैविंग यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट ट्रॉमा, पिछली बार ऐसे हुआ था, क्या होगा अगर इस बार भी ऐसे होगा, या आप फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हो क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहेगा,
मेरा फ्यूचर तो झंड हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो मेरा मैरिज टूट जाएगा। तो पास्ट और प्रेजेंट में हो आप, प्रेजेंट में नहीं हो, सॉरी पास्ट और फ्यूचर में हो आप। यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट। दैट इज़ वाई प्रेजेंट में आपका परफॉर्मेंसेस भी खराब होगा। और ऐसे दो तीन अगर खराब परफॉर्मेंसेस होगा तो आपके अंदर इतना एंग्जाइटी हो जाएगा ना कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्गेनिक कुछ कॉजेस नहीं है, आपके माइंड के अंदर साइकोलॉजिक कुछ प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दिस इज़ नोन एज साइकोजेनिक ईडी। अंडर 40 जो मेन होता है जिसमें ईडी होता है, मेजोरिटी ऑफ द कॉजेस इन अंडर 40 मेन इज दिस साइकोजेनिक ईडी। एंड नंबर 3 इज कॉम्बाइंड कॉजेस, मतलब आपके अंदर ऑर्गेनिक कॉजेस भी है और आपका साइकोजेनिक ईडी भी है, दोनों है आपके अंदर। एक रिसर्च है जो कि दिखाता है कि 40-70 ईयर्स के मेन के ग्रुप में 52% ऑफ द मेन आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ टाइम इन बिटवीन 40-70। मतलब हाफ से भी ज़्यादा मेन में किसी ना किसी दिन ईडी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एंड अनदर स्टडी इन 1995 शोड दैट 15.2 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड वेयर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एंड जो स्पेकुलेशन है कि 2025 में ये डिजिट होगा 32.2 करोड़। इमेजिन करो कि 2025 मतलब आ ही गया, 32.2 करोड़ पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दिस इज डिसप्रोपोर्शनेटली हायर, आई डोंट थिंक एनी अदर डिजीज एटलीस्ट इन मेन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। आप किसी भी कैंसर ले लो, किसी भी यू नो डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो भी ले लो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मेन। अनदर स्टडी इज शोइंग दैट लेस देन 40 ईयर्स के एज ग्रुप में देर इज अ स्ट्राइकिंग प्रिवलेंस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड द नंबर इज सिग्निफिकेंटली हाई। 26% ऑफ द मेल लेस देन 40 ईयर्स, मतलब यंग मेल ही हो गया, यंग में भी दे आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम साइकोजेनिक ईडी। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो तो कन्फर्म्ड है, लेकिन आपके अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसका कॉज क्या है। एक्स वाई जी एनीथिंग हो सकता है, लेकिन आपके अंदर क्या कॉज है उसके लिए यू नो डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल में पहला चीज़ है पेनाइल डॉपलर करना पड़ेगा टू रूल आउट वस्क्यूलर कॉजेस। जो कॉजेस मैंने बताया कि आर्टेरियल कॉजेस हो सकता है, वीनस कॉजेस हो सकता है, या दोनों का कॉजेस हो सकता है, साइनसॉइड्स का कॉजेस हो सकता है, इसके लिए आपको पेनाइल डॉपलर करना पड़ेगा। एंड मेजोरिटी ऑफ द यू नो द इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज सफरिंग फ्रॉम दिस वस्कुलर कॉजेस। पेनाइल डॉपलर में रेडियोलॉजिस्ट लोग क्या करता है, पहले को ग्रे स्केल में एग्जामिन करेगा। ग्रे स्केल मतलब नॉर्मल जो यूएसजी होता है उसमें एग्जामिन करेगा कि आपका के अंदर जो मसल्स है वो ठीक है कि नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं। आपका का मसल्स का जो कवरिंग है, मसल को कवर करके जो रखता है उसको फेसिया बोलते हैं या लेयर्स बोलते हैं, जो भी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं वो एग्जामिन करता है। के अंदर जो आर्टरीज है, जिस आर्टरी के थ्रू में आपका ब्लड आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं, मतलब कुछ क्लॉगिंग हो गया, या आपका जो के अंदर आर्टरी है वो थोड़ा छोटा है, नैरोड है, उसीलिए ब्लड नहीं आ रहा है। सो वी लुक फॉर द यू नो द फाइंडिंग्स इन ग्रे स्केल फर्स्ट, उसके बाद डॉपलर मोड को एक्टिवेट किया जाता है इन डॉपलर। क्या होता है डॉपलर में, आपका पेनिस के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो को एसेस किया जाता है। तो डॉपलर मोड में क्या देखा जाता है, पेनिस के अंदर जो आर्टरी है, दो आर्टरीज है, एक में राइट साइड में है और दो द सेकेंड वन इज इन द यू नो लेफ्ट साइड। सो राइट कैवर्नोसल आर्टरी एंड लेफ्ट कैवर्नोसल आर्टरी, दोनों आर्टरीज में ब्लड फ्लो कैसा है वो हम देखते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं कि यस द पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, मतलब कितना ज़्यादा फ्लो है उसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्या किया जाता है, इंटरेस्टिंग एक काम किया जाता है जो है कि स्टिमुलेंट हम लोग यूज़ करते हैं। स्टिमुलेंट मतलब नंबर वन इज वायग्रा टैबलेट हम खाने को बोलते हैं पेशेंट को कि वायग्रा खा के थोड़ा आधा घंटा वेट करो, यू कैन वॉच ऑल्सो मीन्स यू नो इट एंड सम विजुअल
या ऑडियो विजुअल कुछ स्टिमुलेशन जिसकी वजह से इरेक्शन का डिज़ायर आएगा, वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अकेला में कहीं बैठेगा, यू नो पुटिंग द ईयरफोन्स, वो देखेगा फोटो वीडियो या बोथ, जो उसका मर्जी है, ठीक है। तो स्टिमुलेशन हम दे, और वायग्रा का टैबलेट खाएगा, सिल्डेनाफिल का टैबलेट खाएगा 100 mg। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप देखते रहो ऐसे, जब स्टिमुलेट हो जाएगा, मतलब जब का फुल हार्डनेस आ जाएगा, देन नॉक मी, एक बेल दे देते हम लोग उसको, बेल में टैप कर दो, ठीक है। तो दिस इज द कॉमनेस्ट वे ऑफ स्टिमुलेशन। एंड अदर वन इज बाय गिविंग इंजेक्शन, पेपाफरिन, इंजेक्शन पेपाफरिन होता है, वो हम में इंजेक्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू हम का जो मसल है कॉर्पोरा कैवर्नोसा में इंजेक्शन देते हैं उसका। उसके बाद फिर से वेट करना पड़ता है पेशेंट को, और वो इरेक्शन, फुल इरेक्शन जब होता है, देन वी डू रिपीट यूएसजी स्कैन, रिपीट डॉपलर आफ्टर गेटिंग द फुल स्टिमुलेशन। नाउ अब स्टिमुलेशन के बाद क्या देखेंगे, वही चीज़ देखेंगे कि उनका आर्टरीज में फ्लो कैसा है, कैवर्नोसल आर्टरी, राइट कैवर्नोसल आर्टरी और लेफ्ट कैवर्नोसल आर्टरी में ब्लड फ्लो कैसा है, स्टिमुलेशन के आगे कैसा था और अभी कैसा है, कितना कितना ब्लड फ्लो बढ़ गया, वो हम देखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज, वॉट एवर वी इट, दोनों के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं एंड वी राइट दैट कि वस्कुलर कॉज है कि नहीं। वस्कुलर कॉज अगर है तो वो आर्टेरियल कॉज है या वेनस कॉज है, वो हम फेनाइल डॉपलर के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं। एंड फेनाइल डॉपलर इट प्लेज ए मैसिव रोल इन डायग्नोजिंग दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि नियरली 50% ऑफ द ईडीज आर दिस वस्कुलर ईडी। अगर आप वस्कुलर ईडी को रूल आउट कर दोगे तब आपका जो रोड है आसान हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी जो कॉजेज है वो होगा। एक कॉज तो आप मेजर जो कॉज है वो तो आप रूल आउट कर दिया ना। सो नॉर्मल और एबनॉर्मल बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एबनॉर्मल है तो मतलब वस्कुलर कॉज को ट्रीट करो और कुछ नहीं, मतलब आपके खून में प्रॉब्लम है, जो खून में इन द सेंस आर्टरीज में या वेन में प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करो, अगर वस्कुलर ईडी डायग्नोज हो गया। अगर पेनाइल डॉपलर नॉर्मल आया, इट मींस दैट वस्कुलर कॉजेस नहीं है, बाकी जो सब कॉज है उसमें आप ढूंढो। अब आपके मन के अंदर एक डाउट जरूर आएगा, मेरे अंदर अगर ईडी है क्या मैं कभी भी ठीक हो जाऊंगा या लाइफ टाइम आई हैव टू सफर फ्रॉम दिस ईडी। नो 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 गाइस, डोंट वरी, ट्रीटमेंट है। अरे आदमी यहाँ चांद चला गया, मार्स में चला गया, ईडी क्या चीज़ है, ईडी का भी ट्रीटमेंट है। वस्कुलर कॉज है तो वस्कुलर कॉज को ट्रीट करो, नर्वस कॉज है तो उसको ट्रीट करो। अगर कुछ दवा लेने के वजह से दवा का साइड इफेक्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, देन स्टॉप दैट मेडिकेशन। अगर आपका साइकोलॉजिक साइकोजेनिक ईडी है, देन आपको एक साइकेट्रिस्ट के साथ एक कंसल्ट करना पड़ेगा, मे बी ए साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, एक प्रॉपर काउंसलिंग लेना पड़ेगा, सिल्डेनाफिल का हेल्प, मतलब वायग्रा का हेल्प लेना पड़ सकता है फॉर सम टाइम, एंड ग्रेजुअली यू विल बी नॉर्मल। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट थिंग इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट ए सोशल टैबू। 100 पेशेंट का, 100 मेन का अगर ईडी है, मुश्किल से 5-10 डॉक्टर के पास आता है, बाकी 90% पूरा जिंदगी वो लोग बिता देता है हैविंग द ईडी इनसाइड देम। वो लोग किसी को बोलता भी नहीं है, ये सोच के बोलता नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स लोग जांच करेगा या सोसाइटी जांच करेगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू कन्वे टू एवरीवन दैट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज जस्ट ओनली ए डिजीज। बहुत लोगों के अंदर ईडी है लेकिन वो लोग डॉक्टर के पास जाने में शर्मिंदा फील करता है, they are ashamed of the fact that they are suffering from this erectile dysfunction. देखो, this is just a disease. आपका बुखार हो सकता है, viral fever हो सकता है, lung cancer हो सकता है, this हो सकता है, that हो सकता है। erectile dysfunction is just like this and that. एक disease ही है। आप अगर आपके अंदर disease है, doctor को consult करो, आप ठीक हो जाओगे। This is the message I want to convey to the men basically. And even if you are younger, I told about
लेस देन 40 ईयर्स के एज ग्रुप में मेजोरिटी ऑफ द कॉजेज आर साइकोजेनिक ईडी। अगर कोई 25 साल का, 30 साल का, 32 साल का मेन में अगर ईडी है, देन कंसल्ट अ डॉक्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस विल गिव मी द मोटिवेशन टू मेक मोर रिसर्च बेस्ड, मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज फॉर यू। एंड आप शेयर भी कर सकते हो, शेयर बटन है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।